अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हर जायज़ ख्वाहिशात आपकी पूरी करे। और जिस किसी को कोई भी मुश्किल या परेशानी या कोई भी दुख या तकलीफ़ है तो अल्लाह पाक उस पर अपना ख़ास रहम करम नाजिल करें, आमीन सुम आमीन। आज मैं बना रही हूँ सेम की फली और आलू की सब्ज़ी। पकाने का तो रोज़ का मसला रहता है, तो समझ में नहीं आता क्या बनाया, तो मैं कहा चलो आज ये बना लेते हैं, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। मैं जिस तरह बनाती हूं वो मैं आपको बता रही हूं। तो मैंने यहाँ पर सेम की फलियां काट ली थी, आलू काट लिए थे साफ़ करके। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज कट करके उसको मैंने फ्राई होने रख दिया पैन के अंदर। मैंने ऑयल डाल दिया था थोड़ा सा, और यहाँ मैंने दो टमाटर काटे हैं, उसमें तीन चार हरी मिर्चें डाली हैं, एक चम्मच मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी इसके अंदर, थोड़ी सी लाल मिर्चें एक टीस्पून, और एक टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर, और नमक जाएगा इसके अंदर। तो आज गैस भी इतनी स्लो आ रही थी, बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी गैस ना, इसकी वजह से मेरी प्याज बहुत देर में लाल हुई थी, ब्राउन हुई थी, काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ना, पता नहीं क्या था, सुबह से गैस बहुत स्लो आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्याज अभी तक लाल हुई नहीं है, और ये टोटल इसकी इतनी आँच है। तो बहरहाल खैर, यहाँ पर अपनी प्याज हम लाइट गोल्डन फ्राई करनी है मुझे, बहुत तेज़ गोल्डन नहीं करना है इसको। इसमें फिर मैं तमाम मसाले डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर इसको इतना पकाएँगे ये मसाले सारे अच्छी तरह भुन जाएँ। तो अच्छी बनती है सब्ज़ी ये, सर्दियों में ही ज़्यादातर बनाई जाती है ये सेम की फली। तो हमारे यहाँ तो सब्ज़ी शौक़ से खाते हैं, बच्चे मेरे शौक़ से खाते हैं सब्ज़ी। रोज़ रोज़ गोश्त भी नहीं खाया जाता, तो फिर समय में आता क्या बनाएं। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला भुन गया है, और अब मैं इसमें अपने आलू और जो मैंने सेम की फली काटी थी उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी साथ में, और इसमें हल्का सा पानी इसको भून के, और इसमें हल्का सा पानी डाल के मैं तकरीबन आधा गिलास, और इसको पकने के लिए रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि हमारे आलू भी गल जाए, हमारी सेम भी अच्छी तरह पक जाए, और मसाला भी अच्छे से भुन जाए और अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे देखिए हमारे आलू भी गल गए हैं अच्छे से, मसाला भी भुन गया है, सेम भी हमारी पक गई है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फ्राई हो गई है ये। ये देखिए आलू गल चुके हैं हमारे, और इसमें मैंने आलू बहुत कम डाले थे, सेम ज़्यादा रखी थी। तो अब इसके अंदर मैं हरा धनिया गार्निश करूँगी, और थोड़ा सा ऊपर से गर्म मसाला गर्म मसाला इसके अंदर मैं डालूँगी ऊपर से। तो ये है हमारे सेम की फली और आलू की फाइनल लुक। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले से देखने को मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।